क्लास सिक्स फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर फर्स्ट नोइंग अवर नंबर्स लेट अस प्रैक्टिस 1.3 टू पार्ट सेक थर्ड। आज हम पार्ट थर्ड एक्सप्लेन करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डिटरमाइन द सम, सम करना है, सम मतलब होता है प्लस, ऑफ द फोर नंबर एज गिवन बिलो। अब हमारे पास फोर नंबर कहाँ है, मतलब चार नंबर चाहिए ना, उसको ऐड करना है। तो ये आपके पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है और जो आंसर निकलेगा उसे हमें सभी को ऐड करना है लास्ट में। तो पहले करते हैं सक्सेसर ऑफ 32। तो सक्सेसर और प्रेडेसर तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। सक्सेसर मतलब होता है नेक्स्ट नंबर, सक्सेसर ऑफ 32। तो इसका मीन्स हुआ 32 के बाद क्या आता है 33, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे, सक्सेसर में प्लस वन करते हैं और प्रेडेसर में माइनस वन करते हैं। तो फर्स्ट आंसर हमें मिला 33। चलिए फर्स्ट नंबर हमें मिल गया, मतलब सम करने के लिए हम अब रेडी हो रहे हैं। पहला नंबर हमारे पास आ चुका है। अब आते हैं बी नंबर, सक्सेसर, फिर से सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर। कितने टाइम है सक्सेसर आपके पास, टू टाइम्स ऑफ 67। देखिए इसमें वन टाइम्स था तो हमने प्लस वन किया, इसमें टू टाइम्स है, एक सक्सेसर है फिर सक्सेसर है, यानी दो बार करने हैं। तो 67 में हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे तो फर्स्ट सक्सेसर हुआ और सेकंड करेंगे तो सेकंड टाइम्स हो जाएगा, तो एक और प्लस कर दीजिए। चलिए ऐड करिए तो 67 प्लस 1 68 जो आंसर आया वो फर्स्ट सक्सेसर का हुआ। अब फिर सेकंड का करना है तो 68 प्लस 1, तो कितना आ गया आपका रिजल्ट 69। समझ में आ गई बात। चलिए अब आते हैं सी नंबर, प्रेडिसर। प्रेडिसर तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो बैक साइड जाए, प्रेडिसर ऑफ 49। लेकिन करते कैसे हैं, 49 माइनस 1 तो कितना आ गया आपका 48। अब आते हैं डी नंबर, फिर से आपका प्रोड्यूसर टू टाइम्स है। तो चलिए पहले हम लिखेंगे प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ 56, यानी टू टाइम्स करना है। तो 56 माइनस 1 फिर माइनस 1, तो 56 में से एक प्रोड्यूसर करेंगे तो कितना आएगा 55, मतलब एक पीछे चले गए, तो ये फर्स्ट हुआ 55। अब 55 से फिर एक माइनस करिए तब सेकंड प्रोड्यूसर आए तो कितना आ जाएगा 54। अब इसे ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर है। क्यों, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ फोर नंबर। तो ये हमने लाइन ड्रा कर दिया और ये सभी आंसर को हम यहाँ प्लस करने वाले हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं सम ऑफ फोर, रिजल्टिंग नंबर आप लिख लीजिए, रिजल्टिंग जो हमने अभी सॉल्व किया, और यहाँ पे नंबर लिख लीजिए, नंबर्स इज इक्वल टू ऐड करिए 9 3 12 12 8 20 20 प्लस 4 24 2 रिमाइंडर, 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 2 20 204, ये आपका आंसर होगा 204। क्लियर, तो 11 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी, एक बस है जो अपनी यात्रा के लिए रेडी है और वो वहाँ से अपने जहाँ से उसे चलना है वो स्टार्ट कर चुकी है। एंड रीच्ड, रीच्ड मतलब होता है पहुँचना, डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से की है अभी हमें नहीं पता है, प्लेस विथ आई स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और वो बस की स्पीड कितनी है 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। यहाँ तक समझ में आ गई बात नहीं। द जर्नी इज सोन अलॉन्ग साइड, ये देखिए ये जो जर्नी है बहुत लंबी है, तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप डायग्राम देख के क्या आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। आपकी जो जर्नी है आप चाहे तो ए से स्टार्ट कर ले, सबसे पहला स्टार्टिंग आपका यही है, ठीक है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ और एफ से जी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं।
फाइंड द टोटल डिस्टेंस, अब ये बस चल रही है तो हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू डी, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू डी, ए से डी तक में वो कितना ट्रेवल की। ए अब देखिए कहाँ पे, ए ये है, ए कितना चल चुकी है, फोर्थ ए से चलना है उसे कहाँ तक, डी तक, ठीक है। ए से स्टार्टिंग किया है और रनिंग में है पूरा, ए से स्टार्टिंग किया तो ए में वो कितना चल चुकी है बस 4000, ए टू डी ना 4170 किलोमीटर। बी में कहाँ तक ट्रेवल की, मतलब ए से बी तक कितना ट्रेवल की, देखिए ए से स्टार्ट हुआ है, ए से बी तक में कितना ट्रेवल की 4170 किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है हम यहाँ पे लिख देते हैं ए टू बी, ठीक है। उसके बाद बी टू सी, बी पॉइंट से मान लीजिए बी कोई भी शहर का आप सिटी का नाम ले लीजिए और बी से सी तक चली, ठीक है। बैतूल ले लीजिए और सी को कोई भी आप ले लीजिए, क्या ले लें, सी से कोई नाम भी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। बी से सी कितना ट्रेवल किया 3410 किलोमीटर, ये कहाँ से है बी टू सी। हमें डी तक चलना है, अब सी से डी तक आते हैं तो सी से डी तक में कितना है 2160 किलोमीटर, ये हुआ सी टू डी किलो डी पॉइंट तक। अब इसे ऐड कर लीजिए, देखिए ए से डी हो गया पूरा, अब ऐड कर लीजिए तो 0 7 1 8 8 6 14 1 रिमाइंडर 4 1 5 1 6 1 7 4 3 7 2 9 9740 किलोमीटर वो बस ए से डी तक ट्रेवल की है। चलिए फर्स्ट आंसर कंप्लीट, अब आते हैं सेकंड पे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम डी टू जी, सेम जैसे अभी किए, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम डी टू जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डी से, डी कहाँ पे, ये है। अब डी से हमें कहाँ तक जाना है, ये जी तक जाना है, तो डी से पहले ई तक करते हैं, डिस्टेंस डी टू ई कितना है 8140 किलोमीटर, फर्स्ट हुआ। सेकंड ई से एफ, ये कंटिन्यू है डिस्टेंस ई टू एफ, ई से एफ तक कितना चला 4830 किलोमीटर, चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं डिस्टेंस सेम लिख लीजिएगा यहाँ पे एफ टू जी, और एफ से जी कितना है 2550 किलोमीटर, चलिए इसे भी ऐड कर लें वो हमारा आंसर हो जाएगा किलोमीटर 0 5 3 8 4 12 1 रिमाइंडर 8 1 9 1 10 रिमाइंडर और 10 5 15 1 रिमाइंडर 8 4 12 2 14 1 15 15520 किलोमीटर। चलिए सेकंड हो गया, अब आते हैं थर्ड पे। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए, अब बताइए ए से जब बस ये चलना स्टार्ट की, ए से पॉइंट कहाँ से, ए से, वो कहाँ से चलना स्टार्ट की है ए से, और अगर वो पूरी तरह से ट्रेवल करे पूरा और ए से चले और ए पे ही पहुँच जाए, मान लीजिए आप बस से चलना स्टार्ट किए कहाँ से, मुंबई से, ठीक है। अब मुंबई से दिल्ली, फिर कश्मीर मतलब जम्मू आप ले लीजिए, जम्मू से ऐसे होते हुए आप काठगोदाम, काठगोदाम मतलब उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ से होते हुए आप प्रयागराज मतलब यूपी, और यूपी से होते हुए रांची, रांची के बाद हावड़ा, हावड़ा से घूमते हुए बिलासपुर, बिलासपुर से होते हुए नागपुर, और नागपुर से आप फिर मुंबई चले गए बस से, बाई बस। तो बताइए ऐसे घूमने में आपको कितने किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ा, तो ए से आपने स्टार्ट किया, ए को मान लेते हैं मुंबई, ठीक है, और हमें ए से कहाँ आना है, फिर से ए में, तो देखते हैं कितने किलोमीटर ए ट्रेवल की। तो हमें पूरा ऐड नहीं करना है,
अब आप बोलेंगे सर क्यों, अभी तो हम पूरा करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे? थर्ड नंबर, हमें टोटल बताना है। आप सिर्फ इतना बताइए ए से ए तक चलने में उसे कितने ट्रेवल करने पड़े। ए से पहले वो डी तक चले, बोलिए हाँ। ए से डी का आपके पास आंसर है, बिल्कुल है ना। ए से डी तक अभी हमने ऐड कर दिया, और डी से जी तक हमने अभी ऐड किया है, देखिए। तो क्यों हम बार बार ऐड करें, इसी को ऐड करते हैं। तो हम चलते हैं पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम ए टू ए रिटर्न, ए टू रिटर्न, मतलब लौट के ए पे ही आ जाए, ठीक है। अब देखिए हमने कहाँ से चल, तो डिस्टेंस हम यहाँ लिखते हैं जो हमें पता है, फ्रॉम ए टू डी। अगर आपको देखना है तो फर्स्ट पॉइंट से देख सकते हैं, यहाँ पे कितना है 9740 किलोमीटर। हम बार बार क्यों करें। अब देखिए डी पहुँच गए, अब डी से जी तक कितना है, डी से जी तक है आपका, यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस फ्रॉम डी टू जी आया आपका 15520 किलोमीटर। अब हम कहाँ पहुँच गए ये भी तो देख लें, हम पहुँच गए डी से जी तक। अब जी से हमें ए तक जाना है, कितना दूर बचा है बताइए, इतना बस बचा है 1290 बस। अब यहाँ पे लिख दीजिए डिस्टेंस, सेम लिख लीजिएगा, फ्रॉम जी टू ए कितना है जी से ए तक 1290 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। 0, 9 to 11, 4, 15, 1 remainder, 7, 5, 12 to 14, 1, 15, 1 remainder, 9, 5, 14, 1, 15, 1, 16 or 1 after 2, यानि 26,550 किलोमीटर कंप्लीटेड, यानी बस कितना ट्रेवल की 26,550 किलोमीटर। चलिए आपका थर्ड कंप्लीट हुआ, अब आता है फोर्थ नंबर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। अब आपको बताना है सी से डी तक का डिफरेंस करना है, क्या करना है डिफरेंस किसका, सी से डी और डी से डी टू ई और डिस्टेंस। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो हम आपको एक नया क्वेश्चन देते हैं, जानते हैं प्रैक्टिकल में आपको जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल से दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए आप ये बस बताइए, आप जब फोर्थ या फिफ्थ क्लास पढ़ते थे तो आपको इस तरह क्वेश्चन मिलते थे, सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम 28, मिलते थे या नहीं मिलते थे, सिर्फ इतना बताइए, मिलते थे, बिल्कुल मिलते थे। और उसमें टीचर्स ने आपको ज़रूर शेयर किए होंगे बातें कि सब्ट्रैक्ट जब भी करें आप ये ज़रूर देखें यहाँ पे फ्रॉम लिखा है नहीं लिखा, अगर फ्रॉम लिखा, फ्रॉम तो 100% लिखा होगा इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक में, तो फ्रॉम का मतलब होता है जो बैक साइड, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है उसे पहले लिखें और सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएं और 26 को बैक साइड लिख दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 28 माइनस 26 कितना आ गया 2, ये तो आपने पक्का पढ़ा होगा 100%। तो अब हम बात करते हैं इसी वे पे कि कैसे हमें करने हैं। तो देखिए फोर्थ नंबर, अब ध्यान समझिएगा, अभी जो हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है वही सब्ट्रैक्ट है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, टू डिस्टेंस। अब ये देखिए फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मतलब सी टू डी पहले लिखा जाएगा, अब सी से डी बताइए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, सी से डी बताइए, सी से डी हमें दिख रहा है 2160 किलोमीटर, और ये बताइए डी टू ई, अब यहाँ डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ई, डी से ई देखिए, तो डी से ई आपको दिख रहा है 8140 किलोमीटर, क्लियर। अब हमें यहाँ पे बताना है इनके बीच डिफरेंस कितना है,
और माफ़ कीजिएगा जो हमने प्रैक्टिकल आपको बताया इसमें उसका यूज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमको सिर्फ डिफरेंस बताना है, क्या बताना है, डिफरेंस। और ये जो फ्रॉम है, ये फ्रॉम का कहने का मीन्स ये था कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। माफ़ कीजिएगा जो हमने प्रैक्टिकल दिया, हम सोचे कि उसकी बात है, सब्ट्रैक्ट नहीं, हमको सिर्फ ये बताना है कि उसके बीच की दूरी कितनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस में हमको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, 8140 किलोमीटर से 2160 किलोमीटर को हम माइनस कर देंगे, 0, 6, 8, 14, 0, 10 माइनस 1, 9, 7 माइनस 2, 5, 5980 किलोमीटर। क्योंकि आपका डिस्टेंस, ये साइंस का क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होते, मतलब आंसर में माइनस कभी भी नहीं आ सकता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सेम आपका फोर्थ हो गया, अब आते हैं फिफ्थ में, फाइंड आउट द टाइम टेकन। अब यहाँ पर हमें टाइम बताना है, क्या बताना है, टाइम, कि बस को वहाँ, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ए से हमें बी तक चलना है, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बस की स्पीड कितनी है। स्पीड है सबसे पहले दिया था 60 किलोमीटर पर आवर, हमने पहले ही बताया, ये आपका दिया है, पढ़ भी सकते हैं, ये बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई, बस चल रही है 60 की स्पीड में, ये भी हमको समझ में आ गया। और हमने पहले ही आपको बताया कि एक घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी, इसका मतलब ये है बस। अब बस कहाँ से चल रही है, ए टू बी। अब डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ए टू बी, इस बी तक चलने में कितना लगा, 4170 किलोमीटर। अब भाई स्पीड हो और डिस्टेंस हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला ना लगे, वो तो लगेगा लगेगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टाइम स्पीड के पास आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। और हमें निकालना क्या, टाइम। अब बताइए बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड हमें दिख रही है 60 किलोमीटर, कितनी 60। आप चाहें तो टाइम का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो चलिए हम टाइम का ही फार्मूला बना देते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस का फार्मूला हुआ, ये स्पीड का फार्मूला हुआ। अब आते हैं टाइम का भी फार्मूला आपको बता देते हैं। तो स्पीड को ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ जाएगा, वो डिस्टेंस के नीचे, क्योंकि इनटू ट्रांसफ़र होता है तो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो स्पीड आ गया नीचे, तो ये हुआ आपका टाइम का फार्मूला। अब आप अप्लाई कर दीजिए, तो टाइम कितना यहाँ पे टेक किए, डिस्टेंस कितना है 4170, स्पीड की क्या है बस की 60, जीरो से जीरो कैंसिल। अब सेवन का टेबल पढ़िए, 417 कैंसिल, सिक्स आपका 6 6 36 रिमाइंडर, 6 5 11 कैंसिल, सेवन तो 6 9 54 रिमाइंडर कितना हुआ, 3। अभी 3 बचा हुआ है, मतलब अगर आप इसे लिखना चाहें तो 69 आवर्स, कितना भाई, ये आ गया ना, अब इसके आगे नहीं कर सकते, नहीं तो डेसिमल लगेगा, और डेसिमल आपको करना है तो आप कर लीजिए, 6 5 30। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, टाइम, कितना टाइम टेक किया बस ने, 69 आवर्स। अगर आप पूरी तरह से बोलेंगे, आंसर शीट में भी देखेंगे, हम अभी चेक कर रहे थे, तो 69 आवर्स दिया हुआ है आपके में, और उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। और ये जो 5 है, यानी यहाँ पे 50 मिनट्स भी लग रहे हैं उसको। तो आपका आंसर ये है और ये भी है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। 69 तो कभी नहीं आएगा, 69 से ऊपर ही टाइम हो लेगा बस, ठीक है। आपको जहाँ भी डिबेट करना है आप कर सकते हैं, आपका रियली आंसर ये होगा, ना कि ये 69। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा,
चाहे 50 मिनट्स लग जाए, ठीक है, लेकिन अप्लाई ज़रूर होगा। चलिए आते हैं फिफ्थ टू बी, ये बी नंबर, सी टू डी। अब हमें बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस सी टू डी। सी से डी तक कितना है देख लीजिए, 2160 किलोमीटर। चलिए स्पीड तो वही है, हमें निकालना है इसका टाइम, तो टाइम का फार्मूला क्या है, टाइम का फार्मूला लगाते जाइए। टाइम का हमने अभी क्या निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड। चलिए डिस्टेंस कितना है, 2160 अपॉन स्पीड बस की 60 ही है, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 6 से इसे कट करते हैं, ठीक है, तो 6 से 216 को डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 3, 6 6 जा 36। हाँ ये एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है, तो ये कट होने के बाद 36 आया, तो टाइम कितना हुआ आपका 36 आवर्स। ये आपका एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, 69 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है, और हम यहाँ पाइप फाइव क्यों, ये 33 आया था ना, तो ये 30 मिनट्स, सॉरी यहाँ पे 30 मिनट्स होगा आपका दिया हुआ है 30 मिनट्स, सॉरी, और ये 36 आवर्स होगा, नो डाउट। अब आते हैं सी नंबर पे, सी क्या है, ई टू जी। अब ई से जी देखते हैं, तो ई से जी तक के लिए हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ई टू जी। अब ई से चली हुई है, देखिए ई से एफ तक जाएगी पहले 4830 और एफ से जी तक 2550। ऐड करिए 0538 और 585 13, वन रिमाइंडर 4 2 6 1 7 7380। क्लियर। अब टाइम निकाल लीजिए, टाइम भी तो जानना है, तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 7380, स्पीड तो फिक्स रहेगी 60 है, ये जीरो से जीरो कैंसिल। अब 6 का टेबल पढ़िए, तो हम यहीं पे कर देते हैं, आप डिवाइड कर लीजिएगा, 6 9 जा 72, सॉरी रॉन्ग, 6 1 जा 6, यहाँ पे 7 है तो 1 रिमाइंडर, और 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 6 3 जा 18, 123 आवर्स। ये आंसर हुआ 100, कितना आ गया 23 आवर्स। अब आते हैं डी नंबर पे, डी में ये बोला गया है कि टोटल जर्नी बताइए, तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए, स्पीड तो है ही है, तो डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी, टोटल जर्नी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये देखिए टोटल डिस्टेंस कवर फ्रॉम ए से ए तक कितना 26650। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सॉरी भूल गए, कितना आया था 26550। किलोमीटर। चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास है 26550 अपॉन 60, जीरो जीरो कैंसिल। अब 6 का यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 6 का डिवाइड करते हैं 2655, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 2, 6 4 जा 24, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम डाउन करेंगे 5, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन 442, तो टाइम कितना हुआ 442 आवर्स, और एक्स्ट्रा ये जो 3 है वो 30 मिनट।
ठीक है, मिनट्स, ये आपका आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीटेड। आते हैं 13 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अ वाटर कूलर हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, एक वाटर कूलर है, ये मान लीजिए ये कूलर फैन है, ऐसा समझ लीजिए ये कूलर का फैन है, यहाँ पे ये ब्लेड हो गए उसके, और ये उसके टैंक है, ठीक है, बहुत बड़ी कूलर है और ये वाटर कूलर है, इसमें स्टोरेज यानी इसमें कितना वाटर आ रहा है, 50 लीटर्स, कितने लीटर्स आ रहे हैं, 50 लीटर्स, ठीक है। इफ ईच स्टूडेंट्स ऑफ एन एवरेज, यहाँ पे एवरेज दिया है कि कंज्यूम, एक बच्चा 750 ml ऑफ वाटर कंज्यूम कर ले आता है, मतलब घर से ले आता है, कहीं से ले आता है 750 ml। अरे भाई, आपका बॉटल जो होता है पानी वाला बॉटल 1 लीटर का होता है, मतलब 750 का भी छोटा वाला बॉटल आता है, मतलब बॉटल ही आप समझ लीजिए, ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम्स, आप कितने टाइम्स 750 ml इस डब्बे में डालेंगे, इस कूलर में डालेंगे, वाटर टैंक में, हैज़ टू फिल टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ 1200 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, आपकी स्कूल में 1200 बच्चे हैं। तो चलिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखिए टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितना है, 50 लीटर्स। अब ईच स्टूडेंट्स कितना कंज्यूम करता है, ईच स्टूडेंट कंज्यूम वाटर, सेवन हंड्रेड फिफ्टी एम एल, इतना ही हो गया। और टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 1200, ठीक है। तो 1200 हैं, तो भाई हम तो पहले ये देख लें हमारे पास वाटर कितने हुए, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट 1200 स्टूडेंट्स, 1200। अब सभी बच्चे ला रहे हैं तो भाई 750 ml है, तो देखते हैं कितना पानी हो जाता है हमारे पास। तो टोटल वाटर कंज्यूम भाई 1200 बच्चे हैं, एक बच्चा कितना ला रहा है 750, सिंपल सी बात है, एक बच्चा अगर 5 रुपीस का पेन रखा है और 1200 स्टूडेंट हैं, तो बताइए कितने रुपीस, जो 1200 पेन्स हैं वो कितने रुपीस के होंगे, सिंपल सी बात है, 1200 में 5 का इंटू कर देंगे, 6,000 रुपीज़ के पेन होंगे, मतलब सभी बच्चों को अगर मान लीजिए देना है 5 रुपीज़ तक का पेन, तो कितने रुपीज़ इन्वेस्ट होंगे, 6,000। तो यहाँ भी इंटू कर लेते हैं, हमें वाटर का कैप्स वो मिल जाएगा, टोटल वाटर कितने हैं, ये 00 और ये 00, इनको तो पहले से उतार दीजिए, ठीक है। अब 12 5 60 6 रिमाइंडर, 12 7 84 और 6 आपका 90, यानी आपका मतलब वाटर कितना हो गया टोटल, जब सभी बच्चे ने कंज्यूम किया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 9 lakh ml आ गए। लेकिन यहाँ तो बात है लीटर की, और ये है मिलीलीटर। अब भाई वी नो दैट 10 ml, ध्यान समझिएगा, 10 ml, 10 ml इक्वल टू 1 centiliter, कितना 1 centiliter। अब बताइए 1 centiliter से हमें लीटर बनाना है, अरे सेंटीलीटर नहीं समझ में आता, सेंटीमीटर ही समझ लीजिए, मीटर लीटर ग्राम सब एक ही होते हैं, कोई चेंज कोई अलग नहीं होता। आपको कंफ्यूज है तो बगल में बना लीजिए, कैसे, देखिए 10 mm इक्वल टू 1 centiliter होता नहीं होता, तो ये बताइए, अब इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 1 centiliter मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 100 centiliter इक्वल टू 1 meter होता नहीं होता, तो 1 centiliter इक्वल टू कितना होगा, 100 ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1/100 meter, तो क्या 1 centiliter के प्लेस पे हम 1/100 meter लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है बगल में, 10 mm, अब बताइए 1 mm कितना होगा,
1 mm 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका मीटर, यानी आपको रिजल्ट मिला 1 mm इज इक्वल टू 1000 मीटर। कितना है 1000 मीटर। अब आपको मीटर समझ में आ गया, तो मीटर समझ में आ गया तो उसको लीटर समझ लीजिए। देखिए 10 ml हमने लिखा ना, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँचे मिलीमीटर जो है ये मिलीलीटर, 1 cm है या 1 cm। अब यहाँ 10 mm लिखे हैं, 10 तो यहाँ पे लिख लीजिए 10 ml। 1 cm जो है हम क्या लिखेंगे, 1/100 liter, ठीक है, 1/100 liter। और हमारे पास ml है। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्या कर रहे हैं, थोड़े देख लिए। अब 1 ml, 1 ml कितना हो जाएगा 1/100, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी 1 ml इज इक्वल टू कितना हो गया 1/1000 liter। लीटर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारी कैपेसिटीज तो 50 liter है, तो लीटर में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया। अब बताइए आपके पास कितने ml वाटर है भाई, ये तो 1 ml इज इक्वल टू हुआ, ये तो हमने सेटअप किया फॉर अपने सिस्टम से, ये आपको समझाने के लिए ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, 1 ml तक हुआ। अब हमारे पास ml कितना है, 900,000 ml है, तो आप यहाँ पे लिखिए 900,000 ml। अरे 1 pen 5 rupees का है, तो 10 pen कितने का आएगा, 10 into 5, तो 1 ml इतना होता है लीटर में, तो इतने ml कितना होगा इसका, इसमें इंटू कर देंगे, तो 900,000 upon 1000, ये बन गया आपका लीटर। समझ में आई बातें, ये क्लियर हुआ। चलिए कट करते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी 900,000 ml इज इक्वल टू कितने लीटर हुए, 900 लीटर। कितने आ गए हमारे पास, 900 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जिंग, हमने कन्वर्स कर दिया, कन्वर्जिंग द टोटल वाटर इज इक्वल टू 900 लीटर। अब हमारे पास टोटल बच्चों से कितना लीटर वाटर आ गया ये बता दीजिए, 900 लीटर आ गया, नहीं आया। अब इसमें 900 थोड़ी डालना है, इसमें कितना फिलअप करना है, 50 लीटर, तो भाई आप इसमें से 50 लीटर इसमें डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको तो 50 लीटर अंदर करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स, है ना, तो टाइम्स यहाँ पे टाइम्स लिख लेते हैं, टाइम्स मतलब कितने बार, टाइम्स इक्वल टू क्या करेंगे, 900 लीटर है, अब उसमें हमको डालना है 50 लीटर, 50 का डिवाइड कर दीजिए, सिंपल, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4 5 8 जा 40, तो कितने टाइम्स आ गया, 18 टाइम्स, बस यही आंसर है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देयरफोर The water tank needs to be filled 18 times, मतलब 18 बार में वो 18 बार हम ले जाके उसमें पानी डालेंगे और वो फिल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको मालूम होगा assertion रीजन, ये तो ऑप्शनल है, ABCDE, पहले हमें assertion सॉल्व करना पड़ता है, रीजन, और चेक करना पड़ता है ये सही है या रॉन्ग है, फिर उसके बाद हमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो आते हैं पहले 14 नंबर में assertion पे, 2A क्या लिखा है, 5 kg बड़ा होता है कि 7 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakhs 70 lakhs 3 2 5 1 6 3 3 6 right। चलिए मेघा ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ। तो देखते हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा मिलीमीटर, पढ़े थे जस्ट वही तो है। तो ये बताइए 1 मिलीमीटर
हमारे पास तो इतने मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर आप जानते होंगे 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर। बोलते हैं नहीं बोलते भाई, स्केल में जो 0 से 1 होता है उसी को तो जो 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10 होते हैं उसी को mm बोलते हैं। तो 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ग्राम लिखा है तो हम ग्राम बना देंगे, पहले आपको समझा देते हैं। अब बताइए 1 सेंटीमीटर से हमें बदलना है मीटर में, यहीं पे तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब मीटर हम क्यों लिख रहे हैं कि आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि आपको ग्राम में तो समझ में आएगा नहीं जल्दी। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 ट्रांसफर करेंगे तो 100 यहाँ पे आ गया मीटर। अब मीटर में भी नहीं रुकना है, मीटर से हमें किलोमीटर में जाना है। ये किलोग्राम है तो किलोग्राम मतलब किलोमीटर भाई, वो ग्राम वस्तु बदलना है। फिर हम इसे कट कर देंगे, अभी आपको समझा रहे हैं, इससे भी बदलना है हमें, ठीक है। तो पहले इसको आप यहाँ लिख दीजिए, तो 1 सेंटीमीटर प्लेस में हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 100 मीटर। अब मीटर के प्लेस पे ग्राम लिखिए या मीटर, अभी चलिए हम मीटर ही लिख देते हैं, जस्ट उसे जी बना देंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, जैसे हैं किलोग्राम, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। होता ही नहीं होता 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, हमें चाहिए मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 1/1000 किलोमीटर। समझ में आई बातें, चलिए अब आपको पूरी तरह समझ में, यानी 1 मीटर के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1000। ये तो पहले से लिखा है, इसको ये ना सोचिए इसको हटा के हम ये लिख दें, नहीं वो तो लिखा है, और इनटू करिए और 1000 भी लिखिए साथ में, ये बन गया आपका किलोमीटर। लेकिन है क्या यहाँ पे किलोग्राम, अब हम इसे ग्राम कर देंगे, ये जो मीटर है उसे ग्राम कर दीजिए, और जो सेंटीमीटर आपको दिख रहा है सेंटीग्राम कर दीजिए, ये 10 मिलीमीटर है वहाँ 10 मिलीग्राम कर दीजिए। अब समझ में आई बातें, वो वही सब चीज़ें हैं। अब देखिए हमारे पास तो मेगाग्राम है, मिलीग्राम है और 10 मिलीग्राम है, तो भाई हमें तो 1 मिलीग्राम चाहिए ना, तो ये 10 भी कहाँ जाएगा, इसके नीचे, अभी 10 ही लिख लेते हैं। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/5, इनके जीरो काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हुआ आपका 5, और अभी 10 और आ रहा है, ये 10 × 10, मतलब 1 mg में इतना छोटा किलोग्राम होता है, यानी 1 mg इज इक्वल टू 1/7 0 हो चुके हैं नीचे 4, 5, 6 और ये 7 kg, और हमारे पास कितने मिलीग्राम है आपका 70 lakhs। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वही बात आ गई ना, 1 pen का प्राइस 5 rupees, तो 2 pen का प्राइस 10, तो 1 मिलीग्राम का इतना, तो 70 lakh mg का क्या होगा 70 lakh का इंटू कर देंगे, तो 1 मिलीग्राम का ये हुआ, तो 70 मिलीग्राम का क्या हो जाएगा इक्वल टू इसमें इनटू हो जाएगा, तो 70000 अपॉन, और नीचे कितना है आपका 1 या 2, 2, 4, 3, 7, इसमें भी 7 है इसमें 6 है, सेवन 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब 10/7 कितना होता है, तो 10/7 यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, ये लिख दिए, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, तो 10 है तो ये डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ बाउंस कर जाएगा, तो कितना आ गया 0.7 kg, यानी अप्रॉक्सीमेटली 700 ग्राम, कितना 700 ग्राम। तो बताइए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया, अभी हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे कितने जीरो हैं 3, 2, 5, 3, 2, 5, और एक और 10 आ गया, तो कितने हो गए 6 हो गए, और हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, इसी के कारण थोड़ा सा मिस हो गया, ये 3 और ये 3 6 हुए ना जीरो, और हमने यहाँ 7 लिख दिया, इसके कारण थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 0 होंगे तो ये पूरे 6 0 होंगे, तो पूरे 6 कैंसिल हो गए कि नहीं हुए, तो यहाँ पे ये 7/10 नहीं आएगा, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ 7 बस बच गया ना, ध्यान से देखिए इसमें 6 0 हैं और इसमें भी 6 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 7,
तो बताइए हमें क्या रिजल्ट मिला, 7 kg, माफ कीजिएगा 0.7 नहीं 7 kg, ठीक है। अब गौर से देखिए 5 kg क्या बड़ा है 7 kg से, आप खुद ही बताइए क्या ये बड़ा है। नो, 7 kg बड़ा है ना, इसका फेस तो इधर होना चाहिए और इसका फेस किधर है, इधर। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग। क्या हुआ स्टेटमेंट, रॉन्ग, यानी असर्शन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं रीजन पे, अब रीजन को देख लीजिए, 1 kg इक्वल टू इतने मिलीग्राम होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कैसे। 1 kg इक्वल टू कितने होते हैं, 1000 meter, होता है नहीं होता, या 1000 gram, होता ही है। अब 1 gram में कितने सेंटीग्राम होते हैं, 1 gram में 100 centigram होते हैं ना भाई, 1 meter में 100 centimeter होते हैं, 1000 meter में 1 kilometer होते हैं। तो ये 100 का इसमें इंटू कर दीजिए, तो 1000 × 100, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीग्राम में, तो कितने जीरो हो गए, 325, ये 5 हुआ सेंटीग्राम में, सेंटीमीटर सेंटीग्राम वही बात हो गई। अब सेंटीमीटर में, अभी तो हमने आपको बताया कि 10 cm इक्वल टू 1 cm इक्वल टू 10 mm, होता नहीं होता, और हमें मिलीग्राम में ही जाना है, तो सेंटीग्राम, तो यानी 1 cm इक्वल टू 10 mg, तो चलिए 10 का और इंटू कर दीजिए, 50 है, 10 का और इंटू कर दीजिए, तो क्या बन गया आपका मिलीग्राम। अब कितने जीरो हो गए, कितने जीरो हो गए, 3 × 5 = 16, 3 और ये 36 मिलीग्राम, क्या ये राइट है। अब आप चेक कर लीजिए 1 kg में कितने 336 मिली, तो ये 3 और ये 3 बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, तो रीजन आपका क्या हुआ, राइट, करेक्ट, क्या हुआ, करेक्ट। अब हम चेक करते हैं कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका रॉन्ग है, सेकंड आपका राइट है, ठीक है, रीजन आपका करेक्ट है और ए रॉन्ग है। चेक करते हैं फर्स्ट नंबर से, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, गलत। गलत क्यों हो गया, क्योंकि करेक्ट तो सिर्फ रीजन है, असर्शन तो रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हुआ। बी नंबर में बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल ये भी रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट तो है ही नहीं है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सी नंबर, असर्शन ए इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग, क्योंकि ए आपका रॉन्ग है, 7 kg था ना, तो 7 sides होना चाहिए। डी में आता है, असर्शन ए इज रॉन्ग, हाँ ये सही हो रहा है, ए आपका रॉन्ग था और बट रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट, यही आपका आंसर है डी। डी आपका क्या हुआ, राइट आंसर। और ई भी पढ़ लेते हैं, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर रॉन्ग स्टेटमेंट, नहीं भाई दोनों रॉन्ग थोड़ी हैं, आपका रीजन राइट है और असर्शन रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या हुआ, डी। तो 14 का आंसर हुआ डी, और आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। थोड़ा टाइम शॉर्ट के कारण हम क्वेश्चन नंबर 15 केस बेस्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम न्यू वीडियो बना देंगे, हमारी इच्छा थी हो जाए लेकिन थोड़ा सा लेंदी वीडियो बन गया। सो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस, थैंक यू, हैव नाइस डे।